दोस्तों, क्या आपके मैक्स प्लेयर में किसी भी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा है? जी दोस्तों, आजकल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे EAC आडियो नॉट सपोर्टेड। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो फाइनली इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो चुका है। मात्र आपको सिर्फ दो सेटिंग बताऊंगा। अगर दो सेटिंग आप कर लेते हैं, आपका 100% आपका इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं करने वाले हैं, बस 2 मिनट के अंदर में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्व हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह आपको वीडियो बताऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि यहाँ से हमको बाहर आ जाना है। मैक्स प्लेयर में आपको अभी नहीं करना है कुछ, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आ गए। बाहर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है? तो दूसरा सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ज़रूर देखना, ठीक है? तो यहाँ आने के बाद आपको मैक्स प्लेयर यहाँ पे सर्च करना है। पहले देख लेना है यहाँ पे अपडेट बता रहा है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि इसका जो जिप फाइल रहता है वो भी अपडेट होता है इसके साथ में। अगर आप यहाँ से पहले इसको अपडेट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन जो दूसरा सेटिंग बताऊँगा उससे तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको अपडेट कर लेना है, क्योंकि इसका जिप फाइल अपडेट हो जाएगा, मतलब नया हो जाएगा, ठीक है? तो इसको उसे कोई दिक्कत तो नहीं होता है, चलने लग जाता है। अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो दूसरा ट्रिक आप ज़रूर यूज करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स प्लेयर अपडेट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मेरा मैक्स प्लेयर अपडेट हो गया। अब इसका जो जिप फाइल रहता है वो भी अपडेट हो जाता है, ठीक है? तो आप अपडेट नहीं किए रहते, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब चलिए बात करते हैं स्टेप 2, जो दूसरा सेटिंग है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर इससे आपका प्ले नहीं होता है, मतलब आपका आइडियो नहीं आता आवाज़, तो आपको दूसरा सेटिंग ये यूज़ करना है। तो आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। सिंपली आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है? इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, ठीक है? ये ऑप्शन आपको सर्च कर लेना है, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पहले वाला वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको ऊपर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? दोस्तों, ऊपर करने के बाद यहाँ डाउनलोडिंग लिंक 1, डाउनलोडिंग लिंक 2, ठीक है? तो इसका जिप फाइल है मैक्स प्लेयर का, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हम सिकन वाले नंबर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर लेना है, ठीक है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं, डाउनलोड हो रहा है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे अब हो गया है। अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है, ठीक? बाहर आ जाने के बाद अब आपको जाना होगा अपने मैक्स प्लेयर में। तो चलिए हम यहाँ पे मैक्स प्लेयर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैक्स प्लेयर में आ जाने के बाद अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ जाना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है? सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको लोकल प्लेयर सेटिंग पे चले जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको डिस्कॉर्डर पे क्लिक करना है, मतलब तीसरा वाले नंबर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। यहाँ कस्टम देखने को मिल जाएगा कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से अपना वो फोल्डर निकालना जिसमें डाउनलोड होने के बाद जाता है। तो हम यहाँ से अपना डाउनलोड वाला फोल्डर यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो हमें इस पर क्लिक करेंगे। इसमें मेरा वो फाइल है जो अभी हम डाउनलोड किए, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1.44, ठीक है? तो ये वाला फाइल अभी मैंने यूज़ किया। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। बस दोस्तों, बस यही इतना दो सेटिंग कर लेना है। 100% आपके मैक्स प्लेयर में किसी भी चीज़ में सब में आवाज़ आएगा, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब में आवाज़ आएगा, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और साथ में को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।